अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फुट 7 न्यूज और मैं हूं अनमोल गुज्जर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ से जनाज ताल में शहबाज शरीफ और मरिया नवाज की मुलाकात। छोटे मियां रिहाई के बाद बड़े भाई से मिले तभी ये दरियाफ्त की। बेटी वालद के लिए घर से दोपहर का खाना लाई। मरिया नवाज गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जुल्म की रात खत्म होने को है, हालात जल्द तब्दील हो गए। सिंध में यंग डॉक्टर्स काम पर न आए मरीजों की जान पर आएगी। 4 रोज की हड़ताल 4 जाने लेगी। कराची में लवाहकीन का मैयत रखकर इत्तजाज। NICH में डॉक्टर्स का इत्तजाजी कैंप उखाड़ फेंका। मरीज दर्द से कराहने लगे। डॉक्टर्स ही नहीं सिंध सरकार ने भी बेहिसी की इंतहा कर दी। बैरागाउन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तोसी। एहतसाब अदालत का तफ्तीशी को हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। साद रफीक और सुलमान रफीक को दोबारा 4 मार्च को पेश करने की हदायत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कल आएंगे पाकिस्तान। शाही मेहमान का इस्तकबाल होगा। शयान शान चश्मा बड़ा होगा मुल्क सारा। वजीर आजम और कबीना के अरकान आंखें ही नहीं दिल भी बचाएंगे। मेहमानीन ग्रामी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के तलुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान पर किस्मत मेहरबान। दोनों मुल्कों में अरबों डॉलर के वायदे हो गए। वफद की सतह पर भी मजाकरात हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेहत तालीम के मसूबे शामिल हैं। सऊदी वली अहद का दौरा जुड़वे शहरों में 144 दफा नाफिस। सियासी इज्तमाही असलही की नुमाइश पाबंदी। इस्लामाबाद में डबल सवारी 2 रोज के लिए बंद। ट्रैफिक प्लान जारी। पाक फौज ट्रैफिक कंट्रोल में मावलत करेगी। PSL 4 में कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडीज का फातिहाना आगाज। कराची किंग्स 83 राउंड के जवाब में मुल्तान सुल्तान 176 स्थान पर हिम्मत हार गए। 7 रन से शिकस्त हासिल हुई। दूसरे मैच में क्वेटा ग्लेडिएट्स ने पशावर जुल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। उमर अकमल के 75 रन बढ़ते मैदान करार पाए। हेडलाइंस अब जान चुके। मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिएगा फुट 7 न्यूज। आप हमें मजीद ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर।